फैशन हमारे पर्सनालिटी, कल्चर और इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं फैशन हम पे हावी हो गया है। एक ट्रेंड सा चल पड़ा है जहां लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि फैशन ट्रेंड्स के साथ चलने के लिए कपड़े खरीदते हैं, और ये हुआ फैशन इंडस्ट्री के एक सेक्टर की वजह से जिसका नाम है फास्ट फैशन। लेकिन ये फास्ट फैशन आखिर है क्या? फास्ट फैशन का बिजनेस मॉडल सिंपल है, लग्जरी ब्रांड से उनके पॉपुलर डिजाइन कॉपी करना और उन्हें अफोर्डेबल दामों में बेचना ताकि मिडिल क्लास लोग जो सिर्फ ऐसे डिजाइन पहनने की कल्पना कर सकते थे आज वो उसे आसानी से खरीद सके। और इस मॉडल ने फैशन की एक ऐसी डिमांड पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई। ज़ारा ब्रांड ने फास्ट फैशन मॉडल की खोज की और पिछले 30 साल में ये फास्ट फैशन का सबसे बड़ा ब्रांड भी बना और दूसरे ब्रांड्स को भी यही मॉडल अपनाने को इंस्पायर किया। और इस मॉडल ने एक होर्डिंग ट्रेंड शुरू कर दिया जहां लोग फैशन की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने लगे और इन कपड़ों को शोरूम से लैंडफिल तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर बात करें प्रोडक्शन की और इनमें लगे रॉ मटेरियल्स की, तो इन ब्रांड्स में ज़्यादातर विस्कोस, रेयन, पॉलिएस्टर और कॉटन जैसे फैब्रिक्स का इस्तेमाल होता है जो पेड़ के छाल, कच्चे तेल, केमिकल्स और पेस्टिसाइड से उपलब्ध किए जाते हैं। एक तरफ तो इन कपड़ों के प्रोडक्शन में इतने रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और दूसरी तरफ इनके डिस्पोजल भी इतनी ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये बायोडिग्रेड तो होते नहीं, तो जाते हैं तो सीधे लैंडफिल्स में। और सबसे दुख की बात तो ये है कि उनके प्रोडक्शन, सेल और डिस्पोजल में सिर्फ कुछ ही महीने का समय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ फास्ट फैशन ब्रांड्स कपड़े खरीदना इतना आसान बना देते हैं, चाहे वो तुरंत ही आकर्षित कर देने वाले दाम हो, उन्हें आसानी से खरीदने के साधन हो या इन्फ्लुएंसर्स द्वारा उन ट्रेंड्स को पॉपुलर करना हो। और ये सिस्टम सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं पर इंसानों के लिए भी खतरा है। आपको ये कपड़ा सस्ता इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उसके पीछे बनाने वाले लोग बहुत ही बुरे हाल में काम कर रहे हैं। ब्रांड से पैदा हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादातर गरीब देशों में प्रोडक्शन होता है जहां कम वेतन और ख़राब स्थितियों में लेबर आसानी से मिल सकता है। यहां तक कि 2013 में बांग्लादेश में एक पूरी बिल्डिंग जहां इन ब्रांड्स के कपड़ों का प्रोडक्शन होता था वो एक दिन गिर गई। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जहां आज एक दर्दनाक हादसे में। अगर आप ये बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी कोई भी ख्वाहिश किसी की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो रुकिए, सोचिए और तभी खरीदिए।